अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरी YouTube फैमिली, मैं चाहने वाले जाफर अशरफ बादरे, अल्लाह ताला आपको तकमील पूरी करे, आमीन। और आज के ब्लॉग मैं स्टार्ट करूँगा किचन से ही। तो यहाँ पर मैं बुलाने लगा था कीमे के शामी को, आप तो शामी को आपके लिए मैंने सारी चीज़ें पहले से रेडी कर ली, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता वीडियो में, वीडियो क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं बनानी चाहिए क्योंकि लोग वॉच नहीं करते। तो न्यू वाले मैं वेलकम करता हूँ, न्यू वाले मैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑन करें कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो यहाँ पर कीमे शामी बनाने के लिए मैं मैंने कैसे ने रेडी किया इस पेस्ट को, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये है जी पेस्ट। तो इस पेस्ट को मैंने था एक बड़ा प्याज था, उसमें एक बड़े प्याज के साथ एक लहसुन की गट्ठी थी, हरी मिर्चें थी और चने की दाल थी, एक पाव के करीब एक पाव के करीब गोश्त था। उसे मैंने आधा घंटा अंडा के लिए उबाल करके ठंडा करके फिर इस मशीन में मैंने ऐड किया, ऐड करके तो फिर मैंने इसे जो है ना पीस लिया। अब इसे मैं अच्छी तरह से जो है ना नमक मिर्च मसाले मैंने ऐड साथ किए थे, नमक अभी थोड़ा सा मुझे काम लगा तो मैंने इसमें थोड़ा ऐड किया। अभी इसमें मैं जो ना टिक्कियाँ बनाकर तो फिर अंडा लगाकर तो फिर फ्राई करूँगा आप लोगों के सामने। स्टेप बाई स्टेप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। तो मैं इसकी टिक्कियाँ बना के फिर आप लोगों से नेक्स्ट मिलता हूँ। यहाँ पर देखे फ्रेंड्स, ये मैंने शामी को कीमे के डाल के रेडी कर ली है, आठ जो है ना बने हैं शामी को आप। तो एक मैंने यहाँ पर पैन पर लगाया है, तो नेक्स्ट सारे इसी तरह पैन पर लगाएंगे, आँच को मीडियम रखेंगे। तो फिर किस तरह हम अंडे में जो है ना डिप करते जाएंगे, एक मैंने डाल दिया था तो उसे मैंने जो है ना हल्के हल्के नमक में नमक पर ऐड करके तो उसे रेडी किया था। तो इस तरह हम पैन पर जो है लगाते जाएंगे, तो बहुत ही मज़े के जो है ना कीमे के डाल के शाम को आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट मैं इसी तरह सारे पैन पर लगा कर फ्राई करता हूँ आप लोगों के सामने। सारे शामी को आप जो है पैन पर लगा दी हैं, आँच मीचे से मीडियम रखी है, दो मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही रखेंगे, फिर हम इसे टर्न करेंगे, पूरी टर्न करेंगे तो ये डूब जाएंगे, इसे पूरी टर्न नहीं करेंगे। तो पहले इसे दो मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे, फिर इसके उसे जो है टर्न करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखे लो फ्लेम पर मैंने इन्हें टर्न किया, दो मिनट के लिए वैसे और दो मिनट के लिए वैसे, और फिर चार मिनट लगे तो फिर अच्छे से जो है ना रेडी हो चुके हैं। आँच मैंने नीचे से मीडियम बिल्कुल कर दिए, तो लहदा हम एक बर्तन में इन्हें निकाल देंगे। बहुत ही मज़े के जो है ना बनते हैं कीमे और दाल के शामी को आप। तो आप लोगों को आज की मेरी सिंपल और इजी सी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, प्यारी प्यारी सी और सपोर्ट किया करें। और माशाल्लाह से मैं एलवी भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप मेरी एलवी में भी आया करें जितने मेरे फ्रेंड्स हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है और बहुत ही जो है ना मज़े का बने हैं। तो ये देखें, तो नेक्स्ट जो अंडा बच्चा मैं उसे ऑमलेट रेडी कर लूँगा बाद में। तो अभी ये देखें आप शामी को आप बिल्कुल रेडी हैं, फाइनल लुक है इनका। यहाँ पर अभी लाइट भी चली गई है, तो करीब से देखें ये है जी इनका फाइनल लुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट फिर मिलूँगा नई रेसिपी के साथ। ये रेसिपी मेरी फेवरेट थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। फिर नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी, तब तक ये चलिए होस्ट को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।